तो हेलो, कैसे हो सारे? आप सबका स्वागत है हमारे आज की न्यू वीडियो में। अपनी आज की वीडियो को अपन कर लेते हैं स्टार्ट। सबसे पहले अपन बात करने वाले हैं यहाँ पर BMPS के बारे में। तो BMPS स्टार्ट हो चुका है एंड क्या ही बढ़िया डे वन हमें यहाँ पर देखने को मिला है। एंड अभी तक जो डे वन की जो ओवरऑल स्टैंडिंग्स है वो अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। फिलहाल फर्स्ट पोजिशन पर चल रही गॉडलाइक, एंड कल गॉडलाइक का बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस हमें यहाँ पर देखने को मिला। उनके दो चिकन डिनर हमें यहाँ पर देखने को मिले पहले ही दिन पे। एंड जो सेकंड चिकन डिनर था उसमें तो सिम्प ने जो 1v5 किया था, मतलब वो नेक्स्ट लेवल था। और लैन इवेंट पर वो 1v5 करना वो तो उसको और अमेजिंग बनाता है। एंड आप कितना खुश हो गॉडलाइक के परफॉर्मेंस से आप कमेंट करके जरूर बताना। एंड बहुत सारी टीम्स अभी अच्छा खेली है, एंड कुछ टीम्स ऐसी जिनसे मतलब परफॉर्मेंस बहुत सारे लोगों ने एक्सपेक्ट किया था, लेकिन फिलहाल डे वन पे उनका परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं आया है। जैसे कि TX का हमें परफॉर्मेंस इतना अच्छा देखने को नहीं मिला फर्स्ट डे के ऊपर। 8-bit नीचे चल रही है, पर ब्लिस थोड़ी नीचे चल रही है, मेडल अभी लास्ट पोजीशन पर चल रही है। इसी के साथ जो VXT उनका मॉडरेट परफॉर्मेंस हमें यहाँ पर देखने को मिला वो अभी 8th पोजीशन पर चल रहे। एंड लिम्ब्रा का अच्छा परफॉर्मेंस हमें देखने को मिला अभी 4th पोजीशन पे। एंड बाकी सारी जो स्टैंडिंग्स है वो अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। एंड आपको क्या लगता है डे 2 पे कौन सी टीम टॉप पे रहने वाली आप कमेंट करके जरूर बताना। आज का जो दिन है वो मोस्टली डिसाइड करेगा कि कौन हो सकता है चैंपियंस। ऑफकोर्स डे 3 पे टेबल्स टर्न हो सकते हैं, लेकिन अगर आज भी जो गॉडलाइक उन्होंने अपनी लीड बना के रखी, एंड अगर आज और ज़्यादा उन्होंने लीड ले ली तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा दूसरी टीम्स के लिए उनको हटाना टॉप पोजीशन से डे 3 के ऊपर। एंड अब आपको क्या लगता है गॉडलाइक अलर्ट इवेंट जीत पाएगी या नहीं आप कमेंट करके जरूर बताना। एंड जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो सिम्प उन्होंने यहाँ पर 1v5 किया था, तो उनका जो रिप्लाई था पूरे 1v5 के ऊपर वो अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। फिनोमिनल, तेरे को कैसा लगा? आज तो 100 के व्यू है, तू बता कैसा फीलिंग है तेरे को? बहुत अच्छा फील हुआ यार, मतलब मेरे को एकदम एंड में जब रियलाइज हुआ कि मैं एकदम क्लच कर दिया एकदम लैंड पे एकदम खड़ा हो गया मैं तो वो रिएक्ट रिकॉर्ड हुआ क्या? मैंने देखा नहीं, वो कैमरा में सिर्फ 3 लोग आए, मैं नहीं आया। अरे यार क्रेजी मोमेंट था, बट बहुत मजा आया। किसने किया ऑडियंस में? चलिए सिम्टास्टिक हो गया ब्रो, सिम्टास्टिक मजा आ गया। सात फिनिश तुमने निकाले भयंकर थे, बट तू सच में तू कह रहा था कि तुम ये नहीं पता चल रहा कौन है सामने कौन नहीं, तू बस मैं सिर्फ मार ही जा रहा हूं मेरे को नहीं पता 1v4 है या क्या है। टीममेट्स भी कॉल नहीं किए कि 1v4 है। जब चिकन हो गया तब क्या लगा? तब बोला कि 1v4 है आराम से, मेरे पास 2 गोली बची थी। और जब चिकन हो गया तब क्या लगा? तब तो मैं हेडफोन पे का ईयरफोन पे का खड़ा हो गया। अरे वो रिकॉर्ड नहीं हुआ, वो रिकॉर्ड नहीं हुआ, स्ट्रीम पे नहीं आया मतलब। अरे वो 3 प्लेयर्स दिख रहे थे ना, कैमरा का एंगल ऐसा था, वो रिकॉर्ड हो जाता दैट वुड हैव बीन क्रेजी मैन। दैट ऑब्वियसली, बट यू मेड BMPS नाउ व्हाट इट इज। बात करते हैं बैंटर वगैरह के बारे में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो TWOB है उनका परफॉर्मेंस हमें अच्छा देखने को नहीं मिला डे 1 के ऊपर। एंड जब कास्टर्स इसके बारे में बात कर रहे थे तो ओशन हल्का फुल्का ट्रोल एंड बैंटर करते हैं पर TWOB के लेजिट के ऊपर। एंड इनका जो पूरा रिप्लाई था वो भी आप देख लो। लेकिन द वर्ड ऑफ बैटल्स, आखिर उनको हुआ तो हुआ क्या है? हर एक राउंड में डोमिनेट किया, हर एक राउंड में वो कंसिस्टेंसी दिखाई, लेकिन यहां पे प्रिंस ओजी धराशाही होते हुए नजर आ रहे हैं। लेजिट, मतलब मेरा लेजिट ये सवाल है कि उनको एक्चुअली हुआ क्या जिस तरीके से, इनफैक्ट यू नो वो परफॉर्मेंस काफी प्लस माइनस इस टीम के लिए गई। एंड जब मेजी लाइव थी तो उन्होंने बात की थी TWOB के बारे में, इग्नाइट गेमिंग के बारे में। एंड उनका जो पूरा रिप्लाई था वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ऑडियंस क्यों नहीं थी आज? कोची है यार, कोची है, कोची है, और शहर से बहुत ज्यादा दूर है ये, और आज फ्राइडे है तो लोगों के पास अपने अपने काम होते हैं, एक्सपेक्टेशन है कि संडे के दिन पब्लिक आए। ये शहर से बहुत ज़्यादा दूर है वैसे, वेन्यू जहाँ पे हमारा होटल है वहाँ से हमें 45 मिनट्स लगते हैं वेन्यू तक पहुँचने के लिए। TWOB भाई, TWOB के धागे खुले पड़े हैं। पर जब कल ड्राई रन हो रहा था तो TWOB ने तो धमाका मचा रखा था भाई। लेजिट ने कल जब ड्राई रन के मैचेस हो रहे थे वहां पे उसने एक्चुअली बहुत मारा था, मतलब बहुत ज्यादा मारा था। एक सिंगल मैच में वो 7 मारा था, तो मुझे एक्सपेक्टेशन थोड़ी सी ज्यादा हो गई थी कि नहीं नहीं आज भी मारेगा। पर आज इतना ज्यादा पैनिक और इतना ज्यादा सिचुएशन खराब कैसे हुई? नहीं कि पता नहीं आज के दिन पे उन्होंने इतना प्रेशर क्यों ले लिया, लैंड प्रेशर। अरे लैंड प्रेशर मैं नहीं मानता क्योंकि आज भी ऑडियंस नहीं ही थी, तो जैसा कल था वैसा आज था, तो आज भी खेल ही लेना चाहिए था। बट ठीक है, अभी भी 12 मैचेस बचे हैं। Bro, what about Team X-Pac? Team X-Pac थोड़ा सा struggling phase में है। उम्मीद करते हैं कि पार पा लेंगे कल के दिन पे। अब इसके अलावा और क्या ही हम उम्मीदें कर सकते हैं? पर मेरे हिसाब से हो जाना चाहिए यार, अभी भी 12 मैचेस बचे हैं, मतलब 6 मैचेस हुए हैं, डिफरेंस उतना ज्यादा नहीं है। वैसे मैं डिफरेंस खोल भी सकता हूँ, ऐसा दिक्कत की बात नहीं है। वैसे भाई इग्नाइट गेमिंग का बताओ भाई, इग्नाइट गेमिंग वाले मुझे ऐसा लग रहा है ना कि बहुत ज्यादा डर के खेल रहे हैं वो। यहाँ पर मेजी ने इसके बारे में बात करी कि जो ऑडियंस है वो बहुत ज़्यादा कम है हमें लैंड इवेंट पे देखने को मिल रही है।
एंड कम्युनिटी के लोगों का इस पर रिएक्शन यही है बेसिकली कि अभी शायद वीक डे था इसलिए तक कम ऑडियंस हमें देखने को मिली है। जो देखो यार पहले जो लैंड स्टेडियम था जो भी वेन्यू था उसकी कैपेसिटी सिर्फ 1500 की थी जो कि मुझे देख के बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। मुझे लगा था बहुत ज़्यादा ही छोटा पड़ने वाला है, तो कोई मैरिज हॉल टाइप का लग रहा है, ऐसे मेरे को फीलिंग आई थी और मजाक साइड के मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। लेकिन अब तो ऐसा लग रहा है कि आधा भी भर जाए तो भी बहुत बड़ी बात है क्योंकि लोग आ ही नहीं रहे यार, मतलब लिटरली कल तो लोग थे ही नहीं। एंड होपफुली जो अब सैटरडे एंड संडे आ चुका है तो उसमें हमें ऑडियंस देखने को मिले, अदरवाइज जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उनको समझ आ जाएगा कि ऑडियंस के मामले में BMPS फ्लॉप रहा। ऑफ कोर्स गेम प्ले के मामले में तो सारी टीम्स आउटशाइन कर रही है, मतलब अपना तरफ से सारी टीम्स बेस्ट दे रही है, लेकिन ऑडियंस की तरफ से ये इवेंट फ्लॉप ना हो जाए इसकी मैं उम्मीद करता हूँ। एंड होपफुली आज और कल में ऑडियंस हमें देखने को मिले। एंड इस पर आपका क्या ओपिनियन है आप कमेंट करके जरूर बताना। एंड अपना बात कर लेते हैं अपन जी के बारे में, तो जी का जो VCT रोस्टर जो अभी नया बन रहा है उसके बारे में जो सारे प्लेयर्स बात कर रहे थे तो उनका जो रिप्लाई था वो भी आप देख लो। प्रोसेस अभी कैसा चल रहा है, व्हाट कैन वी एक्सपेक्ट फ्रॉम द 2025 रोस्टर? पहले मैं चलाता हूँ, मेरे को कुछ नहीं पता है, सच में कुछ नहीं पता है। मैं खुद अभी इन दोनों से पूछने वाला हूँ इस एपिसोड के बाद, सो Yeah, मेरे को से, कुछ नहीं पता है गाइस। देखो ये आ गया झूठ। अच्छा ठीक है, तो मतलब ये मतलब मुझे हिंट लेना चाहिए कि इसके बारे में सवाल करना ही नहीं चाहिए। या आई मीन द थ्री ऑफ अस वर वर्किंग ऑन दिस, बट मैं बोलता हूं, मैं एक चीज बोलता हूं, हम लोग ने एक आइडियोलॉजी पकड़ी है। वी हैव स्टक टू दैट आइडियोलॉजी अबाउट हुम वी वांट टू हायर फर्स्ट, हाउ वी वांट टू बिल्ड द टीम, राइट, एंड व्हाट क्वालिटीज वी आर लुकिंग फ्रॉम फॉर द प्लेयर्स, राइट। ये चीजें हम लोग ने सेट की है and that is something we are working towards, right? And if people don't fit that criteria, right, but are willing to, you know, change, maybe we'll consider, but agar nahi hai, nahi dikhta hai, then regardless if a player is good but he doesn't have those things, it's not worth it to pick that player up or pick that coach up or pick anyone up. Any particular players in ascension jinke upar aapki nazar abhi se hai? jo naam aaj le liye samajh lo. ha, but that is assuming ki they won't be there in their own teams later on as well. That is assuming ki they leave their teams. Maybe. Saying hello to Toast. Players unke abhi haar chuke hai, toh Toast ka abhi shayad TYFS post bahut jaldi aane wala hai. So, DSG, hi, hello. Final prediction. एंड अपन हम बात कर लेते हैं पर ओमेगा के बारे में, तो ओमेगा ने एक मैसेज भेजा था अपने ब्रॉडकास्ट चैनल पे जहाँ पर वो ज़्यादा गुस्सा दिखाई दे रहे थे। उनका बेसिकली ऐसा कहना था, कुछ लोग फिर से बजना शुरू कर दिए भाई, लास्ट टाइम बजे थे तो कई साल चले गए थे, मत करो वापस, ऐसा उनका रिप्लाई हमें देखने को मिला था। एंड यहाँ पर उन्होंने किसी का भी नाम नहीं लिया था। आपको क्या लगता है किसके बारे में बात करते हैं आप कमेंट करके जरूर बताना। एंड अपन वापस बात कर लेते हैं मेजी के बारे में, तो मेजी बात करते टीम एक्सपार्क के बारे में एंड गॉडलाइक के बारे में। बेसिकली जब लाइव स्ट्रीम कर रहे थे तो गॉडलाइक के कुछ फैंस शायद किसी और टीम को ट्रोल करते हैं उनके लाइव चैट में, तो मेजी बात कर रहे थे कि अगर आपकी टीम अच्छी खेल रही है तो आपकी टीम के बारे में बात करो, दूसरों को उसमें ड्रैग मत करो। एंड इस पर वो एग्जांपल देते टीम एक्सपार्क का कि जब टीम एक्सपार्क BGS जीती थी तो वो भी बहुत ज्यादा ट्रोल एंड बैंटर कर रही थी। एंड इस पर जो मेजी का स्टेटमेंट था वो आप देख लो। बताओ अगर आप गॉडलाइक फैन हो और गॉडलाइक अच्छा खेल रही है तो आप उनकी खुशी में शामिल होकर उनकी खुशी को एंजॉय क्यों नहीं करते? मतलब मैं तुम लोग को यकीन नहीं होगा पर मैं सच में बता रहा हूं कि जब टीम एक्सपार्क जीती थी ना और जब इन लोगों ने इतनी सारी चीजें बोली थी तब मैं स्काउट के पास गया था आफ्टर स्ट्रीम जब एंड हुआ था। मैंने पूछा भी, मैंने कहा भाई आप लोग जीते हो, आप लोग अपना विक्ट्री एंजॉय करो ना, उसमें दूसरों को इंक्लूड करने की क्या जरूरत। अब कल को अगर मुझे एक यादगार लम्हा देखना हो जिसमें टीम एक्सपार्क ने एंड में ट्रॉफी के साथ सेलिब्रेट किया हो, वो तो है ही नहीं ना, क्योंकि वहां पर तो वो दूसरों को भरने में बिजी थे। पंक ऐसा नहीं करेगा वो मुझे पता है, क्योंकि वो अपने से मतलब रखता है, उसको अपने से मतलब है, वो भाई अपना खेल रहा है, अपना कर रहा है, सारी चीजें उसको नहीं फर्क पड़ता कौन क्या कर रहा है कौन नहीं कर रहा, वो नहीं बोलेगा कुछ। एडमिनो इतनी बार इंटरव्यू देने के लिए आया है, वो भी अपने से मतलब रखता है, अपनी टीम से मतलब रखता है। आज भी जब पूछा गया तो बोलता है कि मेरी टीम का ही कोई प्लेयर होगा तो जो शायद MVP बन जाए, वहां पे भी उसने दूसरे प्लेयर्स का नाम लिया। मैं वो कहता हूं कि जब आपकी टीम जीत रही है, आप जिसके फैन हो, आप उनको सपोर्ट करो ना, आपको क्या फर्क पड़ता है दूसरों से क्या कह रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। अपना बात करते हैं मान्या के बारे में, तो मान्या के फाइनली हमें एक स्टेटमेंट देखने को मिला जो हैकर्स वगैरह भी पूरा टूर्नामेंट में खेल रहे उसके बारे में। उन्होंने लिखा था कि लोग बैन हैकर्स कर रहे हैं एंड इवेंचुअली हर बार जो डिस्क्वालीफाइड टीम्स है वो करती है एंड उसका फायदा कभी भी नहीं होता। वैसे भी उनका बेसिकली ऐसा कहना था कि जब टूर्नामेंट चालू रहता है तब जो T1 टीम से वो इस मामले में चुप रहती है क्योंकि फिर हैकर्स वगैरह उनको ही ना टारगेट कर दे, एंड फिर जब वो क्वालिफाई हो जाती है तब भी T1 टीम चुप रहती है क्योंकि फाइनल्स में ना टारगेट कर दे वो इस वजह से चुप रहती है। तो बेसिकली मानने का वैसे कहना था प्लेयर जितना भी आर कर ले, क्राफ्टन को स्टेप लेना ही चाहिए,
उनका ऐसे कहना था कि पता नहीं कौन सी रेपुटेशन बचानी है, जबकि सबको पता है कि हैकर्स है। लास्ट ईयर BMPS भी याद है ना, जब सब गॉडबॉट को खेलने मत दो बोल रहे थे, लेकिन वो फिर भी खेला, MVP भी बन गया। बेसिकली उनका सिंपली कहना ऐसा है कि प्लेयर्स तो RR करते रहेंगे, लेकिन क्राफ्टन का अगर स्टेप्स नहीं लेता तो कुछ भी नहीं होने वाला है। ये बेसिकली उनका रिप्लाई था हैकर्स के ऊपर। एंड इस पे आपको क्या कहना है आप कमेंट्स में बताना। एट लास्ट वन बात कर लेते टीम एक्सपार्क के बारे में। तो मोगैम्बो अपने ब्लॉग में बात कर रहे थे टीम एक्सपार्क के लो परफॉर्मेंस के बारे में, तो जो उनका रिप्लाई था वो आप देख लो। चेकनी कोई ना, वो होगा वो भी, इसके का दिक्कत है। बाकी लोंडे कहाँ हैं भाई? गोडल बढ़िया खेल रही है भाई, बढ़िया खेल रहे हैं लोंडे, डिस्कशन चल रहा है इनका भी, बाकी हम तो यहाँ अंदर ही हैं। तो गाइस इसी के साथ आज के ब्लॉग का एंड करते हैं यार। आज अच्छा नहीं गया दिन, कोई नहीं भाई, कल कम बैक करेंगे, कोशिश करते हैं। बाकी लोंडो से बात करेंगे अभी, हॉस्पिटल वगैरह सारे जाएंगे, फिर होटल वहाँ डिस्कस करेंगे कि क्या गलतियाँ होगी आज। बाकी डाल दूंगा व्लॉग अभी थोड़ी देर में, 8 बजे या 8:30, ज़्यादा से ज़्यादा 9 बजे तक डाल दूंगा। एंड बस अपनी आज की वीडियो कर लेते हैं पर खत्म। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो कर देना लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में।